अगले दिन यह लोग इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं और उसे बेसमेंट में लेकर जाते हैं। और जब मेट बेसमेंट में जाता है तो वह काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि बेसमेंट वायर से भरा हुआ होता है। और यहाँ तक कि कोई भी कॉर्नर ऐसा नहीं था कि जहाँ पर वायर्स ना हो। और घर के नीचे बिल्कुल सेंटर में एक विल होता है जिसमें कुछ लाइट्स जल रही होती है। घर की सारी लाइट्स तो ऑफ होती है, लेकिन वो लाइट जल रही होती है। इलेक्ट्रीशियन को यह सारा सेटअप काफी अजीब लगता है और इसीलिए वो उनकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाता। लेकिन जाते जाते वो मैट को कहता है कि मैं हैरान हूँ कि आपने ये घर खरीदा, क्योंकि बहुत टाइम से ये खाली पड़ा हुआ है। और एक अजीब बात वो बताता है कि अब से पहले जो लोग यहाँ पर रहते थे उनका यहाँ पर मर्डर भी हुआ। ये सुनते ही मेट काफी डर जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि हम ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ पर किसी का मर्डर हुआ है, और जाहिर है उन लोगों के लिए ये काफी डेंजर था। ये सब बातें वो केट से डिस्कस नहीं करता और खुद नेट पर सर्च करता है। तब उसे पता चलता है 1975 में एक लड़के ने इस घर में रहने वाले कपल को मार दिया था, लेकिन उन्हें मारने का रीजन आज तक पता नहीं चला। और उसके बाद उस